हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कंप्यूटर पर वाईफाई कनेक्ट करते टाइम आती है इसका सलूशन देखेंगे। दोस्तों ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी आपको दिखेगी। दोस्तों ये प्रॉब्लम कंप्यूटर यूज़ करने वाले हर यूज़र को आज के टाइम में हो रही है। इसका सलूशन कुछ लोग अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके कर लेते हैं और बाकी बचे वो लोग जिनसे इसका सलूशन नहीं हो पाता है उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों हमेशा की तरह ये वीडियो भी मेरे क्लाइंट के सिस्टम का है जो मैंने रिमोटली एक्सेस किया है। इस पर मैं वाईफाई वाली प्रॉब्लम का सलूशन करूंगा। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए जब मैंने वाईफाई पर जाकर कनेक्ट पर क्लिक किया तो कुछ टाइम प्रोसेसिंग करने के बाद ये एरर आया। अब इसको हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में आकर कैटेगरी पर क्लिक करें। यहाँ पर आप लार्ज आइकन सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको यहाँ पर सारे आइकन शो हो जाएंगे। फिर आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड चेंज अडेप्टर सेटिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वाईफाई वाले आइकन पर राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर आ जाएं। फिर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज वाला बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर चेक करें कि कोई आईपी एड्रेस तो नहीं दिया हुआ है। अगर हाँ तो उसको पूरा रिमूव कर दें और ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पर क्लिक करें और नीचे भी ऑब्टेन डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली पर टिक लगाएं। उसके बाद भी अगर यह प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है तो वाईफाई का ड्राइवर अपडेट करें। उसके लिए फिर आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, चेंज अडेप्टर सेटिंग पर क्लिक करें, यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आपको कॉन्फिगर पर क्लिक करना होगा, फिर यस टू प्रोसीड, फिर ऊपर की साइड दिए गए ऑप्शन में से ड्राइवर पर क्लिक करें, जहाँ पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करें। यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑनलाइन ड्राइवर अपडेट करने का ट्राई किया जाएगा। अगर यह ड्राइवर अपडेट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हम मैनुअली अपडेट करेंगे। सिस्टम के ड्राइवर को मैनुअली अपडेट करने के लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ जो आपके सिस्टम के किसी भी दो ड्राइवर को फ्री में अपडेट कर देगा। अगर आपको दो से ज़्यादा ड्राइवर को अपडेट करना है तो उसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी। टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने वेब ब्राउजर पर सर्च करना है ड्राइवर मैक्स। उसके बाद ड्राइवर मैक्स वाला लिंक ओपन करें। ओपन होते ही आपको फ्री डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल के बाद ओपन करके स्कैन फॉर ड्राइवर अपडेट नाउ पर क्लिक करना होगा, जिससे इसमें स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ स्कैनिंग करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ड्राइवर की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर कोई भी दो ड्राइवर जिनको आप अपडेट करना चाहते हैं
अपडेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। अगर दो से ज़्यादा ड्राइवर आपको अपडेट करने हैं तो उसके लिए आपको इसकी मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वाईफाई का ड्राइवर अपडेट करना है। सही ड्राइवर को सिलेक्ट करके उसके सामने अपडेट पर क्लिक करें। डाउनलोड होने में आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। इसको डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करें। यहाँ पर इंस्टॉलिंग में कुछ टाइम लग सकता है, तो थोड़ा वेट करें। उसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट करें। मैं यहाँ पर एक और सलूशन बता देता हूँ। वैसे अगर आप यहाँ पर रिस्टार्ट कर देते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो नेटवर्क को रिसेट कर सकते हैं। नेटवर्क को रिसेट करने के लिए विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद विंडोज़ की सेटिंग पर जाएं, फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर जाएं, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको नेटवर्क रिसेट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक कर दें और नेटवर्क को रिसेट कर दें। अब मशीन को रिस्टार्ट करें और फिर चेक करें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गई होगी। अगर ये सब टास्क परफॉर्म करने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।